तो गाइस यार मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, रात में मैं सिंचन और चौप हम तीनों गए थे पार्टी में। और हाँ, ये पार्टी देने वाला इंसान है लेस्ट भैया। और गाइस हम तीनों ने इतना खाया क्या ही बताऊं, मैं तो बेहोश हो गया था खा के। और चौप तो उठ भी नहीं पा रहा था यार। अरे अपनी गाड़ी यहीं रोको, कहाँ जा रहे हो आगे? अरे वेट, हमें क्यों रोका है और यहाँ पे पुलिस वाले क्यों हैं यार? अरे पता नहीं क्या हो गया अंकल, सुबह सुबह के टाइम में घर जाने दो ना। ओए बाहर निकलो तुम लोग, ये बताओ ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? सर ये गाड़ी पुलिस स्टेशन के बगल में मेरे दोस्त का घर है, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी तुम्हारी गाड़ी की चेकिंग होगी। और तुम लोग रात को कहाँ थे? रात में हमारे दोस्त ने हमें पार्टी दी थी, हम वहीं पे थे। अच्छा रुको, पहले हमें तुम्हारी गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। एक काम करो, जाके साइड में खड़े हो जाओ, वरना दोनों को छोड़ेंगे नहीं। लॉस सैंटोस से बहुत बड़ी चोरी हुई है, ठीक है ना? चोरी? अरे कौन सी चीज चोरी हो गई? गाइस यार सुबह सुबह हमारी गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं ये अंकल तो। अरे तुम चुपचाप रहो, चोरी हुई है हम चेक करेंगे और उसके बाद हम तुम्हें क्यों बताएं कि चोरी क्या हुई है। सर मैं एक मिनट अंदर देख लेता हूँ कि क्या क्या है अंदर गाड़ी में। और अंदर डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है, एक मिनट। आराम से देखो, आराम से पूरी गाड़ी चेक करो, एक भी गाड़ी बच के नहीं जानी चाहिए, बहुत महंगा चीज है, अगर खो गया ना तो हमारी नौकरी चले जाएगी। अरे हाँ सर पता है, और यहाँ पर भी नहीं है, अंदर तो मैंने सारी गाड़ियों में देख लिया और सारे सीट्स को उखाड़ के भी देख लिया, और हाँ पीछे वाले डिक्की में भी नहीं है। सर गाड़ी तो पूरी खाली है। ओए सही बताओ, रात में तुम दोनों कहाँ पर थे? अरे हम लोग पार्टी में थे, बोला तो हमारे दोस्त ने हमें पार्टी दी थी, समझ गए? अच्छा चलो, तुम वैसे भी बच्चे हो, तुम क्या ही चुराओगे। सर गाड़ी पूरी खाली है, इनके पास कुछ भी नहीं है यार। अरे फिर तुम लोग जा सकते हो, जाओ और डायरेक्ट घर जाना, इधर उधर घूमना मत तुम लोग। आप एक बात तो बता सकते हैं ना कि चोरी क्या हुआ है? अरे अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सब के दायरे में रखा जाएगा फिर तुम्हें। अरे हाँ ठीक है अंकल, फ्रैंकल भैया शांत रहो ना, वो जब बोल रहे हैं शांत रहो तो आप क्यों इनसे पूछ रहे हो क्या चोरी हुआ है क्या चोरी नहीं हुआ है? अरे हाँ सीधे निकल जाओ। और तो और लॉस एंड्रोस में हर जगह चेकिंग चल रही है, जहाँ कोई रुकवाए वहाँ रुक जाना और भागने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? अरे हाँ जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो भागेंगे क्यों? गाइस ये सब क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन भैया ये चेकिंग किस चीज की थी? आई थिंक गाइस लॉस एंड्रोस में कोई बहुत बड़ी चोरी हुई है, और वो चोरी का सामान ना काफी ज्यादा महंगा है, और वो चोरी क्या हुई है मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन हाँ उसी को ढूंढा जा रहा है। चलो अभी हम लोग क्या ही लेना देना, हम लोगों ने कोई चोरी की नहीं है, तो चलो फटाफट से घर चलते। और हाँ गाइस, रोको गाड़ी कहाँ से आ रही है, रोको। अरे यार अभी तो चेकिंग की थी, अब फिर क्यों रुकूं? ऑफिसर गाड़ी को चेक करो फटाफट से, ओए आगे लेके आओ गाड़ी को फटाफट से, ठीक है ना? अरे अंकल अभी हमने चेकिंग कराया था, देख लो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ओए तुम्हारा काम ये नहीं है, हमारा काम है चेकिंग करना। और हाँ तुम ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? सर मैं तो सामने से आ रहा हूँ, और हाँ जस्ट अभी मेरी गाड़ी की चेकिंग हुई है पीछे। अच्छा हुई है तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे देख के उधर गाड़ी क्यों घुमा रहे थे? सर मुझे उस साइड ही जाना था, वो तो आपने मुझे आगे बुला लिया। अच्छा चलो जा सकते हो। और हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो फ्रैंकलिन है, और ये छोटे बच्चे का नाम सिंचन है, और जो ऊपर बैठा है उसका नाम चौप है। अच्छा चलो तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ जैसी पुलिस तुमको रोके तो भागना मत, लॉस सैंटोस में सबसे बड़ी चोरी हुई है, ठीक है ना? ठीक है चल सिंचन। सही में गाइस आई थिंक ना बहुत महंगा सामान चोरी हुआ है, और ये क्या चोरी हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो हमें यहाँ से निकल के फटाफट घर जाना चाहिए, वरना गाइस कोई और पुलिस वाला मिल गया फिर हमें रोकेगा और फिर हमारी चेकिंग होगी। चल सिंचन फटाफट हम लोग घर चलते हैं यार। अरे बिल्कुल सही बोला, हमें घर ही जाना चाहिए, और कहीं जाएंगे तो पुलिस वाले अंकल मिल जाएंगे। हाँ तो गाइस आप लोग को शायद जान के हैरानी होगी, पिछले रात
गोल्ड रॉबरी हुई है, वो भी लॉस एंजेलिस की सबसे बड़ी गोल्ड रॉबरी। और हाँ, मैं भी वो गोल्ड रॉबरी करने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे वो कोई और कर गया। और हाँ, ये मुझे शक जाता है फ्रैंकलिन पे। ओए सुन, तो ऐसे लेटा रही हो, फ्रैंकलिन आएगा और मुझे पता है वो तुझे देख के बाहर निकलेगा, लेकिन तू यूं ही नाटक करता रही हो। और हाँ गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ, मुझे पूरा पूरा शक फ्रैंकलिन में है, क्योंकि फ्रैंकलिन और सिंचन और चॉम बहुत बढ़िया चोरी करते हैं, और आप लोग को ये बात तो पता ही होगा। लेकिन वो लोग आज मेरे हाथ से जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे लूट में अपनी आंखें गड़ाई हैं और मेरे लूट को उसने लूट लिया है। अब तो देखो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बस आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। ओए तू ऐसे ही लेटे रही हो, मैंने अपनी बॉडी ऐसे ही नहीं बनाई। एक बार आज फ्रैंकलिन को आने दो, तब दिखाता हूँ। और लगता है उसने वो सारा लूट के अपने घर में छुपा दिया होगा। लेकिन बॉस, हम तो उसके घर भी गए थे पर कुछ मिला नहीं, अब क्या करें? आने दो उसको, पक्का वो इसी रास्ते से घर आएगा, क्योंकि वो रात में घर नहीं था और हम उसके घर में भी गए थे और घर पूरा का पूरा खाली था। आने दो आज फ्रैंकलिन के बच्चे को, उसको छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, उसने जो गोल्ड चुराया है वह मुझे बता दे कहाँ रखा है, तो पक्का मैं उसको छोड़ दूंगा। बस बस, वहाँ मत छुपिए, इधर आ जाइए, आप गलत जगह छुपे हैं। अगर वो गाड़ी से आएगा तो देख लेगा आपको। अरे हाँ, साही बोल रहा है, आज फ्रैंकलिन बच्चे हैं तो नहीं बचेगा। तूने जो गोल्ड लूटा है वो मेरा है और मैं उसको वापस लेके रहूंगा। सबके सब यहीं पे छुप जाओ। और हाँ, जो लड़का वहाँ पे लेटा हुआ है उसको देखते रहना और उसको बोल दो कि वहाँ से हिले ना। ओए, तो वहाँ से हिलियो मत जब तक फ्रैंकलिन गाड़ी से नीचे ना उतर जाए। यार, अगर इतनी चेकिंग हुई ना तो लगता है कल घर पहुंचेंगे। गाइस, रास्ते में कम से कम 10 पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, और यार हमारी चेकिंग पे चेकिंग हो जा रही है। हाँ, तेरे बातों में दम है, लेकिन यार लॉस एंजेलिस में बहुत ज्यादा महंगी चीज चोरी हुई है। और गाइस, क्या चोरी हुआ? रुको रुको रुको, अरे ये कौन है अंकल? ये रास्ते में कौन लेटा है? ओए भाई साहब, ये सोने की जगह नहीं है, उठो वहाँ से। अरे उठो। अरे कब उठोगे? अबे सिंचन उठा इनको। अरे यार मैं क्या उठाऊं अंकल, उठ जाओ। अरे हॉर्न बजा बजा के थक गए फ्रैंक भैया, लगता है बेहोश हो गए हैं। अबे यार, वैसे भी रात भर मेरे को नींद नहीं आई और सुबह नींद आ रही है, तो ये यहाँ पे लेटा हुआ है। अरे भाई साहब, अरे उठ जाओ। अरे सुबह हो गई, उठ जाओ अंकल, उठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? गाइस, यार लगता है पानी का बोतल अंदर से निकालना पड़ेगा। अबे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ यार, हमें घर जाना है। हाँ, वो फ्रैंकलिन का बच्चा आ गया है। सुनो बॉडीगार्ड, जाओ उसको गाड़ी से उड़ा दो, क्योंकि वो डंडे का मार झेल जाएगा, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो गाड़ी से उड़ाओगे तुम उसको जब भी वो बेहोश होगा, और तभी वो हमारे कंट्रोल में आएगा, ठीक है ना? अरे बिल्कुल सही बोला सर आपने, दो मिनट रुकिए, इसको गाड़ी से उड़ाने में फायदा रहेगा, ऐसा ठोकूंगा कभी आज तक गाड़ी से ठुका नहीं होगा। आज तो फ्रैंकलिन के बच्चे तू गया, थोड़ा आराम से उसको पता ना लगे। अरे हाँ बस, एक दो तीन। भाई साहब ये कौन है? अबे सिंचन, ये मुझे कौन ठोक रहा है? ओ तेरी, ये कौन है जिसने मुझे ठोक दिया यार? अरे फ्रैंक भैया, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? मारा उसको। अरे यार, मेरे को ये मार क्यों रहे सिंचन? और मैंने क्या किया है? बचा मेरे को। अरे मुझे क्या पता आपने क्या किया है, पर ये लोग आपको मार क्यों रहे हैं? तो गया, ये बता गोल्ड कहाँ पर है? भाई साहब मुझे कुछ पता नहीं है, और दोनों के दोनों डंडों से मार रहे हो, और ये दोनों के दोनों तो बॉडी बिल्डर है गाइस, लिटरली इनसे मैं लड़ भी नहीं पा रहा। और हट यहाँ से, ये ले। हाँ मारा उसको। ओ यार, अरे फ्रेंड भी, रुको रुको, और ये क्या हो रहा है? हाँ बच्चे, तुम साइन हट जाओ, वहाँ रहोगे तो तुम भी पिट जाओगे। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मैं लड़ूंगा। अरे हट जाओ अंकल, एक अंदर अंकल साइड हटो। गाइस लिटरली तो गया, इन लोगों ने बहुत तेज मारा, ये ले। और यार फिर से डंडा मार दिया। अरे मारो इसको, ये क्या बनता, हीरो बनेगा? मार इसको, मार। सही हुआ, फ्रैंकलिन बेहोश हो गया। अब मैं सीधी तरह पूछता हूँ फ्रैंकलिन, मुझे बता दो तुमने वो गोल्ड
कहाँ रखा है? अरे यूट्यूब फ्रैंकलिन भैया, दिखता नहीं है आपको? आप लोगों ने फ्रैंकलिन भैया को बेहोश कर दिया। ले तो फालतू बोल रहे हैं बच्चे, तो और पिटेगा मेरे से। अरे मुझे क्यों मारा? गाइस ये सब क्या हो रहा है सिंचन? अरे ये क्या है अंकल, रुको अभी बताता हूँ आपको, आप तो बचोगे नहीं। अरे फिर से मारा यार। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे मत लड़ो, और वैसे भी मैं बच्चों को नहीं मारता। अभी तुम साइड हटो, मुझे फ्रैंकलिन से काम है। ओए फ्रैंकलिन उठो और मुझे बताओ कि तुमने वो गोल्ड कहाँ रखा है, ठीक है ना? बस वो बेहोश हो गया है, उसको हमने इतना ठोका वो बेहोश हो गया है, अब कम से कम 3-4 घंटे बाद ही उठेगा बॉस। अरे गधो मैंने तुम्हें मना किया था ढंग से ठोको, लेकिन ये गधा तो बेहोश हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जो गोल्ड लूटा है मुझे वो वापस चाहिए, वरना मैं फ्रैंकलिन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अरे हमने कोई गोल्ड नहीं लूटा, समझ गए अंकल, छोड़ दो। तो लास्ट नाइट को तुम लोग कहाँ थे? मैंने देखा तुम लोग अपने घर में नहीं थे। एक काम करो, फटाफट फ्रैंकलिन को ले चलो, और ये वहीं बताएगा कि इसने गोल्ड कहाँ रखा है। अरे कहाँ जा रहे हो, बाहर निकलो। आपने फ्रैंकलिन भैया को भी मारा, मुझे भी मारा, और चौप को भी, अब फ्रैंकलिन भैया को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम मेरे से बचना नहीं चाहते क्या? अब तो मेरे से बच के दिखाओ और भटो वहाँ से। अरे भागो रे, इनके पास तो गन है। अरे यार भागो। भाग गया बेचारा। चलो आप एक काम करो, फटाफट फ्रैंकलिन को लेकर चलो, और इसको जब होश आएगा, जब इससे पूछेंगे ये लास्ट रॉबरी जो गोल्ड रॉबरी हुई है लॉस एंजेलिस में सबसे बड़ी, ये मुझे लगता है फ्रैंकलिन ने ही किया होगा। अब मुझे बताएगा ये कि ये कहाँ पे छुपाया है और कहाँ पे नहीं। चलो बॉडी बिल्डर फटाफट अपनी गाड़ी निकाल लो। चलो गाइस, आज तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज ये फ्रैंकलिन आज तो मुझसे बहुत ज़्यादा कुटेगा। अरे ये देखो ये लोग फ्री की गाड़ी कैसे चला रहे हैं। ओए तुम लोग गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाओ, ठीक है ना? अरे बॉस माफ कर दीजिए, गाड़ी को अब अच्छे से चलाऊंगा। चलो चलो फ्रैंकलिन तो हमारे हाथ में आ गया। अरे चलिए ना बॉस, क्या हुआ? हाँ मैं तो चल रहा हूँ, लेकिन ये फ्रैंकलिन का बच्चा अभी तक बेहोश है। अरे फ्रैंकलिन उठ। अरे उठ जा। अरे कब उठेगा? लिटरली गाइस ये जैसे उठेगा ये बहुत बड़े सदमे में आएगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गोल्ड रॉबरी कर लिया और ये पकड़ा भी गया। लेकिन हाँ वो कह रहे था कि रात में वो घर में नहीं था, तो पक्का गोल्ड रॉबरी कर रहा होगा। जो भी हो आज तो मुझे मज़ा आ गया, और मेरा सारा का सारा गोल्ड मुझे वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे बस बस आप आराम से चलाइए, हर तरफ चेकिंग हो रही है, हमें छुप छुप के सीक्रेट रास्तों से जाना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो। चलो हम लोग अपने अड्डे में चलते हैं फटाफट से। अरे आराम से, क्या हो गया गाड़ी को? हाँ हाँ ये जगह गाइस बहुत ज्यादा सीक्रेट है, यहाँ पुलिस क्या परिंदा भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत दिनों से बंद है। आ जाओ हमारे पीछे पीछे फटाफट आ जाओ यार। अरे हाँ बॉस हम तो आपके पीछे ही चल रहे हैं, और बॉस बहुत दिनों से नहीं बहुत सालों से बंद है ये जगह। हाँ हाँ तुम्हें भी पता है क्या? हाँ कोई देख तो नहीं रहा, अंदर चलो। हाँ यहाँ पे पहले बोर्ड्स वगैरह रिपेयर होती थी, लेकिन ये अब जगह बंद हो गई हैं, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। अरे खोलो। हाँ ये ऑटोमेटिक है, अपने आप खुल जाती हैं। चलो गाइस आज हम लोगों ने रॉबरी करने वाले को पकड़ लिया है, और जितना भी इसने माल लूटा है वहाँ से ये सारा का सारा माल मुझे दे देगा। और आप लोगों को पता ही है मैं कितना ज़्यादा डेंजरस हूँ, और मेरे सामने किसी की नहीं चल सकती। चलो अभी वहाँ चलते हैं और आराम से बैठ के फ्रैंकलिन से पूछते हैं सारा का सारा सामान कहाँ रखा। और हाँ ये होश में भी तो नहीं आ रहा, इसको उठाओ, ठीक है ना? अरे बॉस जब मैंने इसको ठोका था तो ये घूम गया था और इसके सर पे चोट लगी थी, हमें लगता है इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, जब ये होश में आएगा बॉस। अच्छा दे दो वैसे भी वो गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा था, उसके लिए मैं एक क्या 4-5 घंटे रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो गोल्ड रॉबरी फ्रैंकलिन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ। और बॉस अगर फ्रैंकलिन को कुछ हुआ तो समझो वो गोल्ड हमारे हाथों से चला जाएगा, इसलिए हमें इसको ज्यादा नहीं मारना बॉस। हाँ शायद तुम भूल रहे हो, बाहर सिंचन भी है, और मुझे पता है
शिनचैन और फ्रैंकलिन सारा काम एक साथ करते हैं तो उसको भी पता ही होगा कि उसने गोल्ड कहाँ पे छुपाया है। वो तो मेरे सामने नाटक करके भाग गया। आए फ्रैंकलिन के बच्चे उठ जा वरना तू बचेगा नहीं। हाँ। तो बॉस हमने फिर शिनचैन को क्यों नहीं किडनैप किया बॉस? हाँ दोनों एक साथ होते हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते। अभी एक दूसरे से अलग हैं तो पक्का एक दूसरे की चिंता होगी और मुझे पता है फिर उसके बाद अपना मुंह ये खोल देंगे। वाह बॉस वाह, आप ऐसे ही हमारे बॉस नहीं हो, आपके पास तो बहुत दिमाग है सच्ची में। बॉस की जय हो, बॉस की जय हो बॉस। अच्छा शांत रहो शांत रहो, और वो फ्रैंकलिन के बच्चे को उठाओ और पानी की कमी पड़े तो थोड़ा समुंदर से उठाओ और उसको पिलाओ और उठाओ, क्योंकि मुझे गोल्ड के बारे में जानना है कि सारा का सारा गोल्ड कहाँ पर है। अरे गाइस वो लोग कौन थे? मैंने आज से पहले उन लोगों को देखा भी नहीं था और हम लोग तो जानते भी नहीं है कि वो लोग किस रॉबरी के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ एक बात याद आई, पुलिस वाले सुबह सुबह चेकिंग कर रहे थे ना, क्या पता वही रॉबरी हो। गाइस लगता है लॉस एंडोस में बहुत बड़ी रॉबरी हुई है और चॉप को भी ले गए क्या? अरे चॉप 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 है कि नहीं देख लो एक बार, गाड़ी तो यही है हमारी। चॉप ये रहा, अरे चॉप उठ जा, चॉप उठ, फ्रैंकलिन भैया को ले गए वो लोग यार, हम दोनों कुछ भी नहीं कर पाए, उठ जा चॉप। अरे अरे क्या हुआ, मेरा सर घूम रहा है, कहाँ पे हम लोग? अरे याद कर अभी वो लोग मार के फ्रैंकलिन भैया को ले गए, फ्रैंकलिन भैया को बहुत चोट लगी होगी यार। अरे हाँ हाँ अभी याद आया, उठता हूँ उठता हूँ, मेरे भी शरीर में मारा है यार, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। चौप उठ जा तुझे उठना होगा। गाइस वो लोग कौन थे उनको हम जानते भी नहीं थे और फ्रैंकलिन भैया और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है उन लोगों का, हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन लोगों ने इतनी लड़ाई हमसे मोल ली। अरे हाँ हम लोग तो रात में पार्टी में गए थे तो उनको क्या लग रहा था? गाइस मुझे लगता है ना उन लोगों को लग रहा था फ्रैंकलिन भैया और मैंने ही वो रॉबरी की है और इसीलिए वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और पड़े हुए क्या, फ्रैंकलिन भैया को उठा के ले गए। अरे यार अब वो तुझे उठा के ना ले जाए? अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हमें उठा के फायदा क्या, हम लोगों को तो पता भी नहीं है रॉबरी कितना गोल्ड हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है और किसने रॉबरी किया है। उनको लग रहा है कि रॉबरी मैंने और फ्रैंकलिन भैया ने की है। और वही तो हमें उनको बोलना चाहिए था पर वो हमारी बात मान ही नहीं रहे थे ना। अरे हाँ मैं उनको रो रो के बोल रहा था अब जल्दी बैठ। और अब हम जा कहाँ रहे हैं? हम उनके पास जा रहे हैं जो हर मुसीबत में हमारी हेल्प करते हैं यार। और कौन है ऐसा? अरे हमारे लेस्टर भैया। गाइस मुझे लगता है लेस्टर भैया हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। और यार हम लोग क्या बोलेंगे लेस्टर भैया को? लेस्टर भैया सुनेंगे कि फ्रैंकलिन भैया को किडनैप कर लिया तो पता है ना लेस्टर भैया का हाल कैसा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ लेस्टर भैया क्या चाहते थोड़ी हैं कि फ्रैंकलिन भैया किडनैप हो, वो भी रोएंगे यार। अरे हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। गाइस यार लेस्टर भैया किस हालत में होंगे, वो लोग कितना पीट रहे थे, डंडे ही डंडे मार रहे थे यार। अरे हाँ चौप अभी रुक जा, मैं फटाफट चलता हूँ लेस्टर भैया के पास। काम कर पुलिस ऑफिसर से मदद मांग यार। अरे नहीं नहीं पागल है क्या, अगर हमने पुलिस ऑफिसर से मदद मांगा तो तुझे पता नहीं है वो लोग पुलिस वालों से भी ज्यादा खतरनाक है, फिर फ्रैंकलिन भैया की जान को खतरा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बात बिल्कुल सही है, अभी हमें पुलिस वालों के पास नहीं जाना चाहिए। अरे हाँ गाइस अभी शांति से हमें लेस्टर भैया के पास जाना चाहिए, लेस्टर भैया तो रात की पार्टी में इतने मगन होंगे कि उनको कुछ पता भी नहीं होगा। अरे हाँ उनको क्या पता होगा। गाइस यार फ्रैंकलिन भैया को हमें बचाना ही होगा, हमें हार नहीं माननी। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया को बचाएंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, टेंशन मत ले। अरे हाँ चल चल फटाक से चलते हैं। अरे लेस्टर भैया सुनो, अरे लेस्टर भैया हंगामा हो गया यार। अरे यार ऐसे थोड़ी सुनाई देगा उनको, वो तो अपने रूम में होंगे ना। अरे हाँ वो बात तो बिल्कुल सही बोला, मुझे जाना चाहिए फ्रैंकलिन भैया। अरे सॉरी लेस्टर भैया, फ्रैंकलिन भैया की याद आ रही है गाइस, मैं क्या करूँ। अरे लेस्टर भैया सुनो, रात की पार्टी के बाद आज सुबह बवाल हो गया यार। अरे लेस्टर भैया बुढ़ी बाबा शिनचैन आराम से बाबा, क्या हो गया और फ्रैंकलिन कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया को कोई उठा के ले गया, हम लोगों को पीटा और उन लोगों ने बोला तुम लोगों ने जो रॉबरी की है उसका गोल्ड हमें दे दो। उड़ी बाबा ये रॉबरी का सीन तो मैंने भी सुना है, वो रॉबरी तुमने थोड़ी की है बाबा, रात को तो तुम लोग मेरे घर में थे ना। अरे हाँ यही बात हमने उन गुंडों को बोला पर वो फ्रैंकलिन भैया को पीटे और मुझे भी पीटे लेकिन मैं बच के आ गया। उड़ी बाबा वो कौन थे और कितने लोग थे बाबा? अरे वो लोग बहुत थे यार, उन लोगों ने फ्रैंकलिन भैया को पीटा और गाड़ी में उठा के ले गए। उड़ी बाबा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने थोड़ा सा भी ट्राई नहीं किया क्या बचाने का?
अरे यार मैंने बहुत ट्राई किया था बचाने का लेकिन नहीं बचा पाया, तो मैं क्या करूं? उड़ी बाबा। कोई बात नहीं सिंचन, रो मत, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो किडनैपर और क्या कह रहे थे? अरे वो कह रहे थे जो गोल्ड तुम लोगों ने चुराया है वो हमें दे दो। अरे लेकिन हम लोगों ने तो कोई गोल्ड ही नहीं चुराया ना, तो हम देंगे क्या? उड़ी बाबा। लगता है वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन आम इंसान नहीं है और फ्रैंकलिन तो आराम से छोटे मोटे गुंडों से निपट लेता है। उड़ी बाबा मुझे लगता है उन लोग को ये लग रहा है कि फ्रैंकलिन और सिंचन और चॉप तुम तीनों ने ही रॉबरी की है। रुको रुको मैं फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ। एलेस्टर भैया करो, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। उड़ी बाबा कॉल नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है बाबा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? और यार उनको नींद भी बहुत आ रही थी और हमको भूख भी लगा है यार। उड़ी बाबा तुम इतना टेंशन मत लो, मैं फ्रैंकलिन को बचा लूंगा, मैंने बोला ना। अरे लेकिन लेस्टर भैया हम जाएंगे कहाँ और किसके पास? उड़ी बाबा मुझे पता है उन लोगों का फोन हमारे पास आएगा कि उनको पता है कि फ्रैंकलिन के साथ सिंचन भी रॉबरी करता है और सिंचन अभी कहाँ है? उड़ी बाबा हमारे पास। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मतलब गाइस हम लोग अभी भी फ्रैंकलिन भैया को बचा सकते हैं। उड़ी बाबा टेंशन ना लो, मुझे पता है उनको अगर गोल्ड चाहिए तो सिंचन भी चाहिए ना बाबा। अरे हाँ लेकिन लेस्टर भैया अगर उन्होंने गोल्ड मांगा तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? उड़ी बाबा आगे का तुम छोड़ो, अभी फिलहाल अभी का ध्यान दो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो चलो बाबा कुछ खाते हैं बना के। अरे हाँ चलो चलो, भूख तो तेज लग रही है, क्या करूँ यार पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे हाँ हाँ जल्दी चलो यार, फ्रैंकलिन भैया बस सही हो, उनको वो लोग पीटे ना। अब बाबा तुम टेंशन मत लो। हाँ अभी भी मौका है फ्रैंकलिन, बोल दो वरना मेरे बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है। बॉडीगार्ड इसके मुंह से उगलवाओ कि इसने सारा का सारा गोल्ड कहाँ पर रखा है। हाँ हाँ तूने गोल्ड कहाँ रखा है जल्दी बता, वरना तुझे पता नहीं है मैं खूब मारूंगा। अरे यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो लास्ट नाइट को अपने दोस्त के घर पार्टी में था, लेकिन आप लोग मुझे कह रहे हो कोई गोल्ड रॉबरी हुई है। हाँ मुझे याद आया, जब मैं अपने दोस्त के घर से आ रहा था तो बीच में पुलिस वालों ने भी रोका था मेरे को और मेरी गाड़ी को चेकिंग भी किया था, लेकिन हाँ मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं निकला क्योंकि मैं रात में पार्टी में था। मेरी बात मानो और मुझे छोड़ दो वरना सोच लो मैं तुम्हारा क्या करूँगा। हाँ लगता है ये पिट के मानेगा। बॉडीगार्ड्स पहले तो सिंचन को फोन करो इसका नंबर लेके, और उसके बाद उससे पूछो कि कहाँ पे रखा है इसने सारा का सारा गोल्ड, वरना बोलो कि फ्रैंकलिन को हम पानी में ढकेल देंगे। हाँ हाँ अरे बिल्कुल सही बोला बहुत, ओए सिंचन का नंबर बता चल दे। ठीक है ले लो 9899। अरे रुको 2 मिनट। अरे वाह सिंचन का नंबर सही बोला तूने, नहीं बताया होता तो पीट देता। ओए हेलो सिंचन। अरे हाँ कौन? ओए फ्रैंकलिन को किडनैप करने वाले बोल रहे हैं। अरे हाँ हाँ क्या हुआ अंकल? अरे मैं कह रहा हूँ वो गोल्ड कहाँ पे है जल्दी बताओ। अरे हमें नहीं पता बोला तो। ओए मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुमने पुलिस वालों के पास जाके मदद मांगी तो फ्रैंकलिन को समुंदर में ढकेल दूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, मैं अकेले घर में रो रहा हूँ, फ्रैंकलिन भैया को छोड़ देना। नहीं 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 बच्चे, जो तुम लोगों ने गोल्ड चुराया है वो गोल्ड आके दे दो और फ्रैंकलिन को जिंदा ले जाओ, नहीं तो मैं उसको गहरे समुंदर में फेंक दूंगा और शार्क भी है समुंदर में। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं कुछ सोचता हूँ। ओए 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 सोचना नहीं है, जल्दी से गोल्ड लेके आओ और फ्रैंकलिन को छुड़ा के ले जाओ। हा कॉल काट रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ, फ्रैंकलिन को जिंदा चाहते हो तो गोल्ड जल्द से जल्द लेके आना। अरे 2 मिनट रुको और बात तो कर लो। नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। ओए फ्रैंकलिन के बच्चे मैंने सिंचन से बात की, अब तो तेरे को वही बचा सकता है, नहीं तो तेरे को समुंदर में फेंक दूंगा मैं। 1 मिनट लेकिन हमारे पास कोई गोल्ड है ही नहीं, तो सिंचन क्या चौप भी लगे नहीं दे सकता? हाँ ये फ्रैंकलिन का बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, पता नहीं हमारी बात कब मानेगा। फ्रैंकलिन सीधी तरह बोल रहे हैं हमारी बात मान जाओ और सीधी तरह सारा का सारा गोल्ड हमें दे दो। चलो थोड़ा गोल्ड रख लेना लेकिन गोल्ड तो हमें दे दो, ठीक है ना? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, ठीक। यार उनका कॉल ही नहीं लग रहा है। अरे क्या हो गया कॉल नहीं जा रहा है यार? उड़ी बाबा वो तुम्हारा कॉल अब नहीं उठाएंगे, करी क्या लेस्टर भैया? उड़ी बाबा अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं इंतजार, वो लोग फिर से फोन करेंगे और इस बार हम लोग उनका आईडी लोकेशन
ट्रेस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस लोकेशन में जाके उन लोगों से बात करेंगे और क्या। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, वहाँ जाके बात करेंगे तो शायद छोड़ दें। उड़ी बाबा छोड़ेंगे तो नहीं, उन लोगों को गोल्ड तो चाहिए ही चाहिए बाबा। अरे लेकिन हम गोल्ड लाए तो लाए कहाँ से, अरे घर पे बनाए क्या गोल्ड। उड़ी बाबा पागल हो क्या, गोल्ड घर पे थोड़ी बनता है, जमीन से निकलता है नेचुरली बाबा। अच्छा हाँ हाँ पता है। गाइज आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एंड गाइज अगर आपको पता है हमारे फ्रेंगल भैया कहाँ पे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं फ्रेंगल भैया को हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं यार। उड़ी बाबा टेंशन मत लो, हम लोग फ्रेंगल भैया को बचा लेंगे बाबा। अरे हाँ गाइज बाय।